Welcome to Wildlife Search. 1, 2, 3, start. सबली बोलेगी क्या? ठीक है, ready, come on, action. Welcome to Wild Card Special of Dance in a Dance Season 4. Lifeline. Sorry, गलती हो गई. Welcome to Wild Card. Welcome to Wild Card Special of Dance in a Dance Season 4. Lifeline. अब तो आदर. आज तक मैंने जितना भी मेहनत किया है सिर्फ डीआईडी के लिए. ये स्टेज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इस स्टेज के लिए मैंने अपना घर छोड़ा था 3 साल के लिए. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग छोटे छोटे शहरों से आते हैं, लोग ही उनको नहीं जानते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में एक बार जो परफॉर्म कर लिया उसको पूरी दुनिया पहचानती है. डीआईडी एक ऐसा स्टेज है जिसपे किसी भी परफॉर्मर को कितना भी परफॉर्म करने का चांस मिले वो कम ही लगता है. आपके पैर में बॉल है और कोई प्लेयर आके आपके पैर से छीन लेता है, लेकिन आपको वापस चांस मिलता है कि आप उस बॉल को गोल तक ले जाके गोल मार सकते हो. तो वो चांस मुझे मिला है, तो मैं अभी बॉल को छोड़ूंगा नहीं. तो आज के सभी परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं और दमदार 10 में अपनी जगह बना चुके हमारे पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट हैं सुमेर. अब भी मेरे को चांस मिले कि मैं वापस आऊं तो मैं छोड़ूंगा नहीं. वो डेफिनेटली इस तैयारी में कि वो खाली वापस ही ना आए, सीधा टॉप 5 के अंदर जाए. सुमित का ये वाइल्ड कार्ड एंट्री एक कमबैक एंट्री होना चाहिए डीआईडी शो में, तो इसके लिए हम लोग ने एक टोटल पैकेज किया है इस एक्ट को. सुमित का जो ओपनिंग सेक्शन है वो मूविंग हेड्स के साथ होने वाले, तो काफी टेक्निकल चीज है ये, जिसमें लाइटिंग डिजाइनर को हमारा साथ देना होगा. श्रुति मैम ने पूरा कोरियोग्राफी दिखाई मुझे और सुमित जिस तरह से पकड़ रहे थे बीट पे, तो इट वॉज वेरी इजी कि मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट करना था सुमित के साथ. मैं लाइट्स के साथ थोड़ा जाम जाम कर रहा हूँ, थोड़ा खेल रहा हूँ उनके साथ कि मैं ऐसे घुमाता हूँ तो लाइट्स घूमती है वगैरह, वो दिख रहे हैं, मैं इतना अच्छा लगता है. आई होप कि मैं उनके साथ मैच कर पाऊँ. So I think the king will beat each and every performer on the stage of DID season 4. मैं बस आना चाहता हूँ, बस परफॉर्म करना है मुझे, सबको खुश करना है, सबके मुंह पे एक स्माइल देखनी है अच्छे से, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा. I want to do popping like him. I want to learn popping from him. क्या एनर्जी था उसका. You were actually a king of all the beats. कभी कभी धक्के अच्छे होते हैं. You become a little more mature in your performance. Great poppers के नाम में अगर आज हमारे देश में प्रिंस का नाम आता है तो मुझे लगता है आगे जाके आपका भी नाम आएगा. और वो आखिरी नाम जो पूरी करेगा दमदार 10 की तस्वीर, वो डांसिंग स्टार है अरुंधति. इस बार मैं एक घोस्ट का एक्ट कर रही हूं. अरुंधति बहुत स्ट्रांग कंटेंडर है और उसका मेरे ख्याल से पीस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसके मेकअप से लगता है. उसको एक ऐसी गुड़िया बनाया है जो कि बहुत ही, जिसका कॉस्ट्यूम आप देखोगे बहुत ही सुंदर वाइट रेड ऐसा सब कुछ है, बट जैसे ही वो टर्न करेगी और आपकी तरफ देखेगी आपके सबसे बुरा सपना सच हो जाएगा. इस एक्ट में वो घोस्ट क्रीपी वाला एक्सप्रेशन लाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है. जब भी परफॉर्म करती थी चेहरे पे उतने एक्सप्रेशंस नहीं थे, चिल्लाती थी, गधे की आवाज निकलती थी. ऐसे किया ऐसे किया, बहुत डिफरेंस है. लेकिन सर ने बोला व्हेन यू डूइंग समथिंग गेट इनटू इट. हाउ शी इज सेड, और ये नहीं आ रहा, एनर्जी नहीं आ रहा था. हां वो लगता है, ये करेक्ट.
सर ने खुद एक्सप्रेशंस देख के किस गाने में कैसे एक्सप्रेशंस रहेंगे सब पूरा उन्होंने खुद करके बताया। आज वो फाड़ के रख देने वाली है बॉस। आज जो अरुंधति ने परफॉर्मेंस किया है वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। शॉर्ट परफॉर्मेंस में ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे, गुज़बम्स आ रहे थे। अरुंधति ने अब तक दिखाया नहीं था स्टेज पे, वो कब से वेट कर रही थी कि मैं दिखाऊं कि अरुंधति क्या है। बहुत ही खुश हूँ वापस हमारी टीम में आने के लिए। तो अरुंधति आ गई फाइनली हमारी फौज में, तो बहुत बहुत मुबारक अरुंधति टॉप 10 में शामिल होने के लिए, और जूही नहीं आ पाई, अफसोस हो रहा है उसके लिए। मुझे पूरी उम्मीद थी कि जूही आज दमदार दस में मुझे आगे ज्वाइन करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ग्रैंड मास्टर ने बोला इतने से रह गया। कॉम्पिटिशन बोले तो बहुत, पर आखिर में दोनों लड़कियों के बीच फासला इतना कम था कि मैं बौखला गया। आई एम श्योर जहां भी जाएंगी अपना टैलेंट की वजह से बहुत ही लोगों ने प्यार करेंगी। तो सबसे क्लोज है दोनों, सबसे ज्यादा इन दोनों को मिस करूंगी यहाँ पे बस, और किसी भी चीज का बुरा नहीं लग रहा है, बाकी हर चीज से बहुत खुश हूँ। यहाँ तक आई, इतना कुछ किया, ग्रैंड मास्टर ने दोबारा स्टेज पे बुलाया, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अब आज की मैं सबको बहुत मिस करूँ। यह है डांस इन अ डांस सीजन 4 का वाइल्ड कार्ड एपिसोड, और हमें मिल चुके अपने दमदार 10। और कॉम्पिटिशन है टफ, सो लेट्स गेट रेडी, कीप रॉकिंग। दमदार 10 पूरी इंडिया में 10 बेस्ट डांसर्स हैं DIV के सीजन 4 के। इतने हजारों लाखों लोगों में मैं सिलेक्ट हुआ, तो मतलब वो एक बहुत बड़ी बात है। अब दमदार 10 बचे हैं, तो काफी अच्छा लगता है कि दमदार 10 में अपना नाम शामिल हुआ है। इंडिया के टॉप 10 डांसर्स का एक हिस्सा होना एक बहुत ही स्पेशल बात है। दमदार 10 मेरे लिए बहुत मायने करता है, बिकॉज जहाँ पे मैं था, जहाँ पे मैं हूँ, वो लेवल जो मैं क्रॉस करके इतना दूर आया, तो मेरे को पता है मैं कितना मेहनत किया था और आगे में भी करने वाला हूँ। अब दमदार 10 में पहुंचने के बाद ये बाकी 9 कंटेस्टेंट, हर एक कंटेस्टेंट हजारों के बराबर का है। आज अगर ये चैलेंज कर रहा है, कल जाके कोई और उसको चैलेंज कर रहा है। जरा सी भी मिस्टेक, जरा सी भी गलती हमें गेम से आउट कर सकती है। हर एक डांसर का कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, कोई किसी से कम नहीं है यहाँ पे। कल के लिए हमें सर्कस थीम मिला है, और देखा जाए तो सर्कस एक अपने आप में मैडनेस है। मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था जो चीज मैं टीवी में देख रहा हूँ वो चीज मुझे एक दिन रियल लाइफ में करना पड़ेगा। सर्कस में जोकर लोग जैसे उछल कूद करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, वो ही एक्ट करने वाले हैं हम। हम दोनों जो ग्लास बने हैं उसमें हमारा फनी टाइप का हमारा पूरा ड्रेसअप होगा, और हाथ में टोमेटो। मैं हमेशा देखती हूँ कि दीवारों में पेंट होता है, ड्राइंग बुक में पेंट होता है, तो आज मेरे मुंह में पेंट हो रहा है, तो अजीब सा लग रहा है मेरे को। आज तक तो लड़की को चोटी करते फैशन करते देखा था, और आज मेरा भी चोटी हो गया। अरे बाप रे, कैसा फील हो रहा है बता नहीं सकता मैं। को पता नहीं कौन सा शूट हो रहा है, मार्क पे आना है, एक मार्क से भी इधर गया तो खराब। फर्स्ट टाइम शूट किया, बहुत अच्छा लग रहा था। ज्यादातर सब सर्कस में ट्रपीज करते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है, पर हम इस बार स्ट्रीट सर्कस जो होता है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमें कमेंट मिला था कि ये बड़ा भाई और मैं छोटा भाई हूँ, तो हमने गाना ही वो ले लिया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वैसे लिंक कर दिया है, और प्लस रस्ते वाला सॉन्ग है,
तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ आते हैं, वो बोलते हैं बड़े किधर है, वो बोलते हैं हाँ छोटे मैं इधर हूँ, और ये करके पूरा एक रस्ते टाइप कोरियोग्राफी प्रेजेंट किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉप है हमारा, हम दोनों जब भी देखे प्रॉप को उड़ गए हम दोनों। जैसा आप देखेंगे कि ये दोनों आशु और बिकी जब स्विंग पे जाते हैं तो एक बहुत बड़ा मोमेंटो लेते हैं, एक बहुत बड़ी स्पीड लेते हैं ताकि वो डाइव कर सके, और तकरीबन हवा में कम से कम 15 फीट से 15 से 18 फीट ऊंचाई में छलांग लगा के बिकी लैंड करेगा जमीन पर। होश उड़ गया, नींद उड़ गया, सब कुछ उड़ गया। आप देखो देखो प्रॉप, हवा टाइट होने वाली है बहुत। घर में कोई ट्राई मत करना। तुम्हें कहता उस सृष्टि के लिए ये ट्री बन रहे एक, हाँ तो उन लोग की इसका हाइट जो है ना तो 12 फीट है। हम लोग एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिसमें हम दोनों बर्ड्स बने हैं। तो मैं और सृष्टि दी जो एक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक हाथों में स्ट्रैप्स पकड़ के स्टेप्स करना है ऊपर जाके, तो एक हाथों में बहुत स्ट्रेंथ पड़ता है तो बहुत पूरा छिल गया है। मुश्किलें और दिक्कतें काफी आ रही है, सुनिकेता काफी बार गिर चुकी है स्ट्रैप्स से, बट उस बंदी में एक ऐसा जुनून है कि वो करके ही रहती है, एक फाइटर स्पिरिट है उसमें। सबसे चैलेंजिंग हमारे लिए रहेगा जब हम दोनों को अपना वेट हवा में संभालना है और साथ साथ एक दूसरे के वेट को भी वहां पे एक्ट करना है। तो अपना से थोड़ा रस्सी ढील चुप हुई तो उधर ये एग भी खराब है, उस पर चोट भी लग सकता है। हम दोनों एक एरियल प्रॉप कर रहे हैं कंटेम्प्री के साथ। मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, कोई भी मैंने ऐसा कुछ प्रॉप अभी आज तक यूज नहीं किया था, सिल्क हो रिंग हो कुछ भी नहीं किया मैंने, तो मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है बिकॉज ऑफ द ग्रिप, डिफिकल्टी बहुत हाई है। डेड ड्रॉप्स है एक दो, एक छोटी सी मिस्टेक भी हो जाएगी मैं भी गिर जाऊंगी, मेरे साथ ये भी गिर जाएंगे और दोनों डायरेक्टली सिर के ऊपर ही गिरेंगे। बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, खुद को मैनेज करना है, दूसरे को भी मैनेज करना है, बट वी आर डूइंग इट सो फार। और इस बार कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भी आ गए हैं और हमें भी अपना लेवल और इंक्रीज करना है। इतने आगे आने के बाद अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हो तो वो माफ नहीं की जा सकती, सीधा आउट पे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका थोड़ा सा और लेवल बढ़े क्योंकि अब एक स्टेज ऐसा आ गया कि वो हम लोग कोई भी एक स्टेप पीछे नहीं ले सकते। गिरे पड़े जो भी हो एंटरटेनमेंट पक्का होएगा। तो हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है। बहुत कम नहीं, एक ही दिन है खाली। तो बॉस हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो, हम लोग जा रहे हैं। बाय 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 बाय। वैसे तो यू नो हमारा ये जो डीआईडी परिवार है और जीटीवी का परिवार है बहुत दिलदार है, हमेशा नए नए कॉस्ट्यूम्स भाड़ी के कपड़े बहुत सारे हमें मिल जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे एक कंटेस्टेंट है जो कपड़े तो बदल देते हैं लेकिन एक बैंड हमेशा सर पे रखते हैं जो कभी बदलते नहीं, हर एक्ट में मैंने देखा है सेम बैंड होता है, तो आज उसका राज पता करते हैं। राज चलिए यार आशु, मैंने बहुत दिनों से एक चीज नोट की है कि तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, माशाल्लाह बहुत अच्छे दिखते हो, ये मेकअप वेकअप लगा के आते हो, लेकिन एक चीज हमेशा कॉमन रहती है वो है तुम्हारा ये बैंड। ये बैंड का राज क्या है भैया? आंसू और उसका बैंड, वो जो नहाने के बाद वो बैंड पहनता है पूरा 2400 घंटे उसके ऊपर वो बैंड रहता है, जिंदगी जैसा मानता है उसका बैंड को। अभी मेरा हेयरबैंड है तो है, अभी क्या पता वो बैंड क्यों पहनता है, हम लोग को तो टच करने देता है नहीं, हम लोग कभी भी बोलते हैं अगर मजाक में बोल जा रहे आशु जरा बैंड उतार तो भड़क जाते हो। मतलब अपना बैंड किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता, इतना प्यार है उसे। लास्ट टाइम मैंने गलती से हाथ न कोलाउस सोलो एक्ट भी या डुएट एक्ट भी बैंड पहन के क्या कलर कराने, उसको भी कलर करा लिया।
हाँ मतलब कभी धोते नहीं है बैंड को, वही मतलब यू नो डेढ़ दो महीने हो चुके हैं डांस में, डांस की कोई बात नहीं है, डेढ़ दो मतलब मैं धोता भी हूँ इसको। बता दे बता दे क्या जय भाई बताओ इसमें, मैं अभी शर्मा रहे हैं मतलब कुछ राज तो है, राज वाज नहीं है, ये मेरा बैंड है, गर्लफ्रेंड नहीं, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो, और गर्लफ्रेंड ने नहीं दिया, ये मेरा ही बैंड है। सूरज ढलता है तो उसका बैंड निकलता है, फिर सूरज उगता है तो उसका बैंड। अच्छा बेटा क्या डायलॉग मारा, अरे रे 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 कहाँ चला है ये, मुझे आदत लग गई है, मैं डांस करते वक्त अगर मैं बैंड नहीं पहनूं तो मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, शिट क्या हो गया। कोई आंसू को याद करेगा तो बैंड के नाम पे, कोई बैंड को याद करेगा तो आंसू के नाम। अरे यार ऐसा एक बंदा था यार सीजन 4 में, कभी उसको बिना बैंड का देखा ही नहीं मैंने। मुझे लगता है वो बैंड इसलिए पहनता है उसको जो बाल जो उसके असली नहीं है। आई एम थिंकिंग इट्स अ विग, बिकॉज जब तक हाथ नहीं लगा के निकालोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि आखिर ये आयशु के बैंड के पीछे राज क्या है, कुछ क्या? सारे एकदम राज नहीं है, ऑनलाइन ऑनलाइन चेक करना कुछ तो मिलेगा कुछ भाई। राज क्या जय भाई बात कर रहे हो आप, देखो ये तभी होता है यू नो जब आदमी डरता है तो मतलब कुछ यू नो खड्डा किया तभी ये डरता है। कौन सा खड्डा, क्या कुछ नहीं है। जो हमारे डांसिंग स्टार्स है बहुत ही बड़े एक्टर भी, आपको बता देते हैं ऐसे आप नेचुरली जब आप उन्हें देखेंगे तो बड़े एकदम सुस्त से बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे कैमरा शुरू होता है एकदम फुटेज खाना शुरू हो जाते हैं, शिफ्ट्स के ऊपर शिफ्ट्स बढ़ती रहती है इन डांसिंग स्टार्स की वजह से, क्योंकि फुटेज इतना खाते हैं, यकीन नहीं आता। तो ये देखिए क्या है कि बाल बाल ठीक है सब मस्त एकदम सही ठीक है तो चलो। ये हमारे जुम्मन सर, ये हमें खींचते हैं ऊपर नीचे मस्त सर है, मस्त हमारे बहुत अच्छा कराता है, हमें सुनी गेता हम दोनों फाड़ी। ये देखो कितना फुटेज खाते हैं कैमरे के सामने, कितना बात करोगे। मनन को एक्चुअली कैमरे से बहुत प्यार है, इसलिए तो फुटेज वो फुलन खा रहा है। मैं करूं तो साला कर, मैं बनाऊं फुटेज के लिए, इसके कारण मेरा ये स्टेप फेमस हो रहा है। रे भाई आजकल लड़कियां भी बहुत आने लगी हैं स्टेज पे, आपने देखा ही होगा तीन तीन लड़कियां आई थी स्टेज पे मेरे से मिलने। मनन स्टाइल ये देखो, इसको बोलते हैं मनन स्टाइल, तो ये होता फुटेज। नाइस, सबसे ज्यादा कैमरा सामने आने के बाद ये फुटेज खाता है। कौन सा एंगल से भाई, अरे दिखेगा ना फुटेज में, दिखेगा ना दिखाओ। ओ भगवान, सबसे ज्यादा ना ये फुटेज खाता है। अच्छा बता कैसे, जब भी कैमरा आता है ना मेरे बाल बाल रेड ठीक है ना, पहले कैप ठीक करेगा मिरर के सामने जाकर बाल बाल ठीक करेगा, कॉस्ट्यूम वगैरह वॉशिंग। क्या पूछना है, जो हमारी टीम में सबसे ज्यादा फुटेज खाने वाले लोग है वो है स्वराली। मन्ना देखने बंदर वो देखो, वो जो भी चीजें करती है बेमतलब का करती है, सिर्फ और सिर्फ फुटेज खाने के लिए। बेमतलब बेमतलब में हर चीज करती है, हंसती भी बेमतलब में है। ये मैं बता दूं ये भी बेमतलब में ही है, ताली मार मार के फुटेज खाती है। सबसे ज्यादा फुटेज तो यही खाते, मुझे क्यों बोलते, अपना अपने को पानी निकालना है। और जो हमारी टीम में और भी लोग है जैसे कि आप देख ही सकते हैं, धीरज हो गया और सुराली हो गया, अब इनको क्या जरूरत है, क्या जरूरत है ऊपर चढ़ने की प्रॉप लेके, अरे नीचे कर लो ना डांस, क्या करना है फुटेज खाना है बस। हमारा जो धीरज है पिछले दो तीन एपिसोड से देख रहा हूँ नंगे ही आ रहा है उनसे, अरे क्यों कपड़े कम पड़ रहे। पर हमारे छोटे मियाँ इधर ये भी पीछे नहीं है, ये भी बहुत फुटेज खाते हैं, जहाँ देखा नहीं यहाँ आ गया हाथ और जहाँ देखा नहीं यहाँ निकल गया इनके हाथ। क्या यार हम लोग से ज्यादा फुटेज हमारे बॉस खा ले रहे हो, जो हमारे मंडली के मास्टर है मास्टर मुदस्सर। अरे बेस्ट से एकदम बेस्ट ही है ये, और ये भी बहुत बेस्ट है। थैंक यू यार बुड़ी, कम कुछ समझाओ यार हमको भी थोड़ा दिखले दो। हाँ क्या करे, क्या करे, हम लोग तो दिख ही नहीं रहे, सिर्फ मास्टर मुदस्सर मास्टर मुदस्सर। डांस इंडिया डांस सीजन 4 दमदार 10 अभी मिल गए हैं, और अब से हमारी किस्मत जनता के हाथ में है।
डांस की कसौटी खत्म हो चुकी है, अब हो गई है जनता की कसौटी। स्टार्ट से लेके एंड तक ग्रैंड मास्टर जज करते आ रहे हैं और जजेस जज करते आ रहे हैं, बट अब पूरी पब्लिक हमें जज करने वाली है। अभी डीआईडी के मंच में आगे सबने, मैं भी एज ए कंटेस्टेंट, बहुत चीजें सीखी है मैंने। अब ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जनता को। अब हम परफॉर्मर नहीं रहे, अब हमें एंटरटेन करने की जरूरत है, अब हमें एंटरटेन करके परफॉर्म करना है, बेस्ट देना है और फाड़ देना है। डीआईडी के मंच पे आना डिफिकल्ट है, सेलेक्ट होना डिफिकल्ट है, बट लोगों का दिल जीतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जनता का वोट चाहिए ही चाहिए। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। अभी आपको फैसला करना है किसे आगे लेके जाना है, किसे वोट देना है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि तकलीफ भी आपको मेरी तरह ही होगी। एंजॉय योरसेल्फ।